Hello everyone, today in accountancy of last 12th accounting ratio. In profitability ratio, I am going to discuss the next profitability ratio that is operating ratio. Let us start the topic. First meaning of operating ratio. Operating ratio establishes the relationship between operating cost that is cost of revenue from operation plus operating expenses. एंड रेवन्यू फ्राम ऑपरेशन ऑपरेटिंग रेशियो वह अकाउंटिंग रेशियो है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप को सो करता है ऑपरेटिंग कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को एक साथ लेते हैं तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इज़ टू एस इज़ द ऑपरेशनल एफिसियंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये यह एसेस करना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस की किस तरह की है बिजनेस इज ऑपरेटेड इन मोर एफिशिएंटली और लेस एफिशिएंटली और एफिशिएंटली इट सोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ एब्जॉर्व बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की उस परसेंटेज को शो करता है जितना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एब्जॉर्ब किया गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाउ हाउ वी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड इसके अलावा हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज इन दोनों की जगह लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन पहला फार्मूला है रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा इसके अलावा अगर इस पैटर्न पे इंफॉमेशन नहीं है तो फिर आप सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे इन्वेंट्री को आप लेते समय इसमें स्पेयर पार्ट्स एंड लूज़ टूल्स को एक्सक्लूड करेंगे मींस अगर वह इन्वेंट्री में इंक्लूड है तो उसको आप पहले एक्सक्लूड करेंगे देन आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए उस इन्वेंट्री को कंसिडर करेंगे अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए इनफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर ये आप थर्ड फार्मूला इसका अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिस गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ़ाइंड करने के बाद हमें उसको फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ़ाइंड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फाइंड करने के लिए अगेन हम यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए फार्मूला जो अप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन प्लस अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ ऑपरेटिंग आ जाएगा अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसिज प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसिज इन सभी का टोटल जब करेंगे तो ये इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होगा इसके अलावा हम ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर लिख करके फाइंड करते हैं मीनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों को एक साथ अगर हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के फॉर्म में तो उस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ इनज गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिज प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन प्लस अदर एक्सपेंसिस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसि इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा इस रेशियो में अगर ये रेशियो जितना ही लोअर आएगा जितना ही कम से कम आएगा उतना ही कंपनी के लिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट बचा रहेगा हायर प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ेगा क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ इस एक्सपेंसेस का पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो है तो अगर हायर आने का मतलब है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है तो फिर हमें प्रॉफिट जो है वो कम से कम मिलेगा तो इसीलिए लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोअर द रेशियो बेटर द पोजिशन मीन्स मोर प्रॉफिट मार्जिन इज़ देयर और अगर हायर रेशियो होगा तो इन दैट केस देयर इज़ लो प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो काफ़ी कम होगा तो इस बात का ध्यान रखना है मैनेजमेंट को आ, सभी इम्प्लॉज़ को कि हमारी जो ऑपरेटिंग रेशियो uh, है ये कम से कम आना चाहिए तभी जो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं द क्वेश्चन इज़ गिवन द फॉलोइंग इन्फार्मेशन रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन इज थ्री लैक फोर्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग एक्सपेंसिज एटी थाउजेंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज़ज़ज फोटी थाउजेंड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग तो अभी हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए जो कि दिया हुआ है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये चाहिए तो आप यहाँ देखें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी डायरेक्टली दिया अब हमें सेलिंग एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये जो दिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा तो इसको हम ऐड कर देते हैं एट्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गया अब हम इसको कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे और फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हुए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ सी द सोलूशन फर्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस सेलिंग एंड एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सभी को ऐड कर दिया तो एक साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड कर लिया अदरवाइज कॉस्ट को अलग फाइंड कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग भी फाइंड कर सकते हैं इन तीनों का टोटल हो गया टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब फार्मूले में रखें ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड टू लैख फोर्टी थाउजेंड अपॉन थ्री लैख ट्वेंटी फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड किया 70.59. पॉइंट फाइव नाइन इट मीन्स हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये सेवेंटी पॉइंट फाइव नाइन आने का मतलब अब हमारे लिए जो प्रॉफिट बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है इसको अगर हम हंड्रेड से माइनस कर दें सेवनटी पॉइंट फाइव नाइन को अगर माइनस कर दें ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर वन हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अगर एक पता है तो हम दूसरे को अगर फाइंड करें तो उसको 100 से माइनस कर देंगे तो दूसरा जो अननोन है वो पता चल जाएगा तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग रेशियो पता चल गया तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना चाहें तो इसको सेवेंटी को अगर हम हंड्रेड से माइनस कर दें तो हमारे पास जो रेशियो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 70.59 अगर हमारा रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट जो बचता है वो 29.41 ही है तो इसका मतलब अगर ये, ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट बचेगा सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया आपको सिक्स लैक एटी थाउजेंड रेट ऑफ़ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव परसेंट सेलिंग एक्सपेंसिज़ है वन लाइक फोर्टी फोर थाउजेंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज है सेवेंटी थ्री तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर देंगे तो हमारा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज आ जाएगा दूसरा हमें जो कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट को फाइंड करने के लिए ये आपको क्लू दिया गया ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट है तो यहाँ पे कॉस्ट को एज्यूम कर देंगे लेट द कॉस्ट जो है हंड्रेड है तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हो गया इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी फाइव तो सेल प्राइस आपका हो गया यहाँ पे वन ट्वेंटी फ़ाइव तो अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो वन ट्वेंटी फ़ाइव हमारा सेल है तो आप यहाँ देखें कि हमारा सेल जो दिया है क्वेश्चन में वो सिक्स लैक एटी थाउजेंड है जो कि वन ट्वेंटी फ़ाइव तो हमारी कॉस्ट यहाँ पर फाइंड कर लेंगे तो इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करें आ गया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से फाइव लैख फोर्टी फोर फौर्ट थाउजेंड था। ये आपकी कॉस्ट आ गई और रेवेन्यू यहां पे क्या है सिक्स लैख एटी थाउजेंड अब इसको हम फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे नाउ सी द सॉल्यूशन पहले हमने यहां पे कॉस्ट ये कंज्यूम कर लिया एज्यूम किया फाइंड किया हंड्रेड लेकर के कॉस्ट को किया जब तो 100 ग्रॉस प्रॉफिट 25 सेल प्राइस 125 और हमारा रेवेन्यू सिक्स लैख एटी थाउजेंड दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट आएगी फ़ाइव लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड आया इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर दिया ये आ गया टू लैख सेवनटीन थाउजेंड ऑपरटिंग रेशियो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन इन टू तो ये फाइव लैख फोर्टी फोर थाउजेंड प्लस टू लैख सेवेंटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स लैक एटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड या आ गया वन हंड्रेड एलेवन पॉइंट नाइन वन तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हंड्रेड से भी ज़्यादा आ गया है इसका मतलब हमारी ऑपरेटिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गई तो इस केस में हमारा लॉस हो गया तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय ऑपरेटिंग लॉस आएगा ठीक है आई होप आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना समझ में आया होगा और इसकी मीनिंग भी क्लियर हुआ होगा और रेशियो क्या होना चाहिए लोअर होना चाहिए हायर होना चाहिए ये आप कमेंट करना आपने सीखा होगा इसमें कि किस तरीके से रिमार्क करेंगे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऑपरेटिंग रेशियो को जैसा हमने बताया कि लोअर द रेशियो बेटर द पोजीशन बिकॉज इट लिप्स मोर प्रॉफिट मार्जिन तो जितना लोअर ये रेशियो होगा उतना ही बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा Thank you, thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.